लिबर ऑफिस राइटर रे इंसर्टिंग इमेजेस उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। एही ट्यूटोरियल रे आमे निम्नलिखित सिखिबा। डॉक्यूमेंट रे एक इमेज फाइल इंसर्ट करिबा, राइटर रे टेबल्स इंसर्ट करिबा, राइटर रे हाइपरलिंक्स इंसर्ट करिबा। एठारे आमे निजर ऑपरेटिंग सिस्टम भाबरे उबुंटू लिनक्स 10.4 रो व्यवहार करूछु एवं लिबर ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4। आमे लिबर ऑफिस राइटर रे एक इमेज फाइल किपर इंसर्ट करा जाए सेथिरु आरंभ करिबा। आसंतु निजर resume.odt फाइल खोलिबा। डॉक्यूमेंट रे एक इमेज फाइल इंसर्ट करिबा पई प्रथमे resume.odt डॉक्यूमेंट भितरे क्लिक करंतु। एबे मेनू बार रे इंसर्ट ऑप्शन उपर क्लिक करंतु, ताहा परे पिक्चर उपर क्लिक करंतु एवं शेषरे फ्रॉम फाइल ऑप्शन उपर क्लिक करंतु। देखंतु एठारे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स देखा जाउछि। एबे आपण लोकेशन फील्ड रे फाइल नाम लेखी इमेज सिलेक्ट करि पारिबे जदि आपण एहाकु निज सिस्टम रे सेव करिछंते। जेहेतु आमे गोटिए भी इमेज सेव करिनहे, आमे ऑप्शन रु इमेज इंसर्ट करिबा जहा डिफॉल्ट भाबरे प्रदान करा जाय थाए। तेनु डायलॉग बॉक्स रा बामपटे थिबा पिक्चर ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु। एबे जे कोनसी इमेज उपरे क्लिक करंतु एवं शेषरे ओपन बटन उपरे क्लिक करंतु। आपण देखिबे जे इमेज आपणक डॉक्यूमेंट रे इंसर्ट हो जायछि। आपण एही इमेज रा आकार मध्ये बदलाई पारिबे एवं एहाकु रिज्यूमे उपर डाहाण कोण पर्यंत ट्रैक करि पारिबे। एथिपई प्रथमे इमेज उपरे क्लिक करंतु। देखंतु इमेज उपरे रंगीन हैंडल्स देखा जाउछि। जे कोनसे गोटिए हैंडल उपरे कर्सर रखंतु एवं बामो माउस बटन प्रेस करंतु। कर्सर को ड्रैग करी इमेज रा आकार बदलांतु। जेबे आकार बदलि जिवो इमेज उपरे क्लिक करंतु एवं एहाकु एडिटर रो उपर डाहाण कोण पर्यंत ड्रैग करंतु। क्लिपबोर्ड किंबा स्कैनर व्यवहार करी एवं गैलरी नै इमेज इंसर्ट करिवार अन्य प्रचलित पद्धति मान रहिछि। एबे आमे सिखिबा जे राइटर रे टेबल्स किपरि इंसर्ट करिवे। टेबल्स लिबर ऑफिस राइटर रे व्यवहारकारी मानंकु सेमानकर सूचना गुडीकु सारणी फॉर्म रे रखिबा पय सक्षम कराई थाए। निज डॉक्यूमेंट्स रे टेबल इंसर्ट करिबा पय आपण टूल बार रे टेबल आइकन उपरे क्लिक करी टेबल आकार चयन करी परिबे किंबा आपण एहाकु मेनू बार रे इंसर्ट ऑप्शन माध्यम रे करी परिबे। तेनु हेडिंग एजुकेशन डिटेल्स तळे टेबल इंसर्ट करिबा पई कर्सर को एस हेडिंग तले रखंतु। एबे मेनू बार रे इंसर्ट मेनू उपरे क्लिक करंतु एवं ताहा परे टेबल्स ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु। एहा विविध फील्ड सहित डायलॉग बॉक्स ओपन करी थाए। नेम फील्ड रे आसंतु टेबल रो नाम देबा रिज्यूमे टेबल। साइज हेडिंग तले आसंतु कॉलम्स रो संख्या 2 रखिबा। रोज फील्ड रे थिबा उपर एरो उपरे क्लिक करंतु, 4 पर्यंत रोज संख्या वृद्धि करंतु। कॉलम्स ओ रोज रे अप ओ डाउन एरो व्यवहार करी आपण टेबल आकार वृद्धि किंबा ह्रास करि परिबे। एबे डायलॉग बॉक्स रे ऑटो फॉर्मेट बटन उपरे क्लिक करंतु। एहा एक नुआ डायलॉग बॉक्स खोली थाए जेउठारे आपण जहां इंसर्ट करबा को चाहंती सेही टेबल रो प्रारूप सिलेक्ट करि परिबे। राइटर प्रारूप सिलेक्ट करबा पई अनेक ऑप्शन देई थाए। आमे फॉर्मेट मध्य रे नॉन ऑप्शन उपरे क्लिक करिबा ओ ताहा परे ओके बटन उपरे क्लिक करिबा। पूर्ण थरे ओके बटन उपरे क्लिक करंतु। आपण देखिबे जे हेडिंग तळे 2 कॉलम ओ 4 रो विशिष्ट टेबल इंसर्ट हो जायछि। एबे आमे टेबल मध्य रे जे कोनोसी सूचना सारणी भाबरे लेखि पारिबा। उदाहरण स्वरूप टेबल प्रथम कॉलम ओ प्रथम रो मध्य रे क्लिक करंतु। एठारे आमे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टाइप करिबा। एबे निकट सेल ले क्लिक करंतु एवं 93% लेखंतु। एहा देखाउछि जे रमेश माध्यमिक स्कूल परीक्षा रे 93% अंक प्राप्त करिछि। ठीक एही परी आमे टेबल ले अतिरिक्त शिक्षागत विवरणी टाइप करि पारिबा। सही सेल रो ठीक तळे थिबा सेल रे क्लिक करंतु जेउठारे आमे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टाइप करिछे। आमे एठारे हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन लेखिबा एवं पाख सेल रे आमे 88% लेखिबा। आगामी सेल पर्यंत पहुंचिबा पई तृतीय रो रो प्रथम सेल रे क्लिक करंतु। वैकल्पिक भाबरे गोटिए सेल को अन्य सेल को जिबा पई टैब की प्रेस करंतु।
तेणु ट्याब प्रेस करंतु ओ ग्रेजुएशन टाइप करंतु पाख सेल रे 75% टाइप करंतु शेष रो रो प्रथम सेल रे क्लिक करंतु ओ पोस्ट ग्रेजुएशन लिखंतु तथा पाख सेल रे 70% टाइप करंतु अंततः शेष रो रो प्रथम सेल रे आमे पोस्ट ग्रेजुएशन हेडिंग एवं निकटवर्ती सेल रे 70% अंक टाइप करले एबे आमे देखि पारुछे जे टेबल शिक्षागत योग्यता सहित रिज्यूमे रे प्रदर्शित होइ जायछि आसंतु टेबल रो शेष सेल रे कर्सर रखिबा एबे जदि आमे टेबल रो शेष रो रो ठीक तळे एक अतिरिक्त रो जोडिबा को चाहिबा तेबे कीबोर्ड रे टैब की प्रेस करिबा आपण देखिबे जे एक नुआ रो इन्सर्ट होइ जायछि टेबल रो बाम पटे आमे पीएचडी डिग्री प्राप्त होइछि टाइप करिबा एवं डाहाण पटे 65% प्राप्तांक टाइप करिबा तेणु आमे देखिबा जे टैब की नुआ रो जोडिया पई अत्यंत उपयोगी जेतेबेले कर्सर शेष रो उपरे रखा जायथिबो टैब ओ शिफ्ट प्लस टैब व्यवहार करी टेबल रे सेल रु सेल मध्य संचालन करी पारिबे टेबल्स रे अन्य एक महत्वपूर्ण विशेषता ऑप्टिमल कॉलम विड्थ ऑप्शन अटे जहां स्वयं सेल रो कंटेंट अनुसारे कॉलम्स रो प्रस्तता स्थिर करिथाय टेबल रो द्वितीय बा डाहाण पट कॉलम रे एही विशेषता को लागू करबा पई प्रथमे क्लिक करंतु एवं ताहा परे द्वितीय कॉलम रे कर्सर जे कोनसी स्थान रे रखि दियंतु एबे आसंतु शेष सेल रे टेक्स्ट परे 65% उपरे कर्सर रखिबा एबे मेनू बार रे टेबल मेनू उपरे क्लिक करंतु एवं ताहा परे ऑटो फिट ऑप्शन को जानतु मेनू स्क्रीन रे प्रदर्शित हेउथिबा ऑप्टिमल कॉलम विड्थ ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु आपण देखिबे जे कॉलम रे सेल्स कंटेंट अनुकूल कॉलम रा प्रस्थ स्वतः ही स्थिर हेउछि सही प्रकारे आमे टेबल रे जे कोनोसी कॉलम पई एहा करि परिबा आपण निज टेबल पई कोनोसी बॉर्डर न रखिबा थारु नै समस्त आभ्यंतरीण ओ बाह्य बॉर्डर्स रखिबा किंबा आपणक टेबल रे केवल बाह्य बॉर्डर्स रखिबा निमन्ते विभिन्न प्रकारर बॉर्डर्स सेट करि परिबे एथि निमन्ते उपयुक्त ऑप्शन चयन करिबा पई मुख्य मेनू रे टेबल टैब ओ टेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन बॉर्डर टैब चयन करंतु एहा परे आमे राइटर रे हाइपरलिंक्स किपरे सृष्टि करंती ताहा शिखिबा व्यवहारकर्ता हाइपरलिंक्स रो उपयोग हाइपर टेक्स्ट ब्राउज करिबा किंबा देखिबा पई करिथाए हाइपरलिंक्स डॉक्यूमेंट पई संदर्भ हेउछि पाठक निजे आरंभ करि परंती किंबा एहा निजगु निज आरंभ होइ जाय थाए हाइपरलिंक्स पूरा डॉक्यूमेंट को एवं डॉक्यूमेंट रे थिबा विशिष्ट एलिमेंट को इंगित करे फाइल रे थिबा हाइपरलिंक्स तयारी करबा पूर्वरु प्रथमे आमे एक डॉक्यूमेंट तयारी करबा जहां हाइपरलिंक हेबो तेनु टूल बार रे न्यू आइकन उपरे क्लिक करंतु गोटिए नुआ डॉक्यूमेंट खोली थाए एबे आमे एही नुआ डॉक्यूमेंट रे हॉबीज पई टेबल तयारी करबा आमे हेडिंग भाबरे हॉबीज लेखिबा एंटर प्रेस करंतु आसंतु गोटिए तळे अन्य किछि शौक लेखिबा जेपरि लिसनिंग टू म्यूजिक प्लेइंग टेबल टेनिस एवं पेंटिंग एबे एही फाइल को सेव करंतु टूल बार रे थिबा सेव आइकन उपरे क्लिक करंतु नेम फील्ड रे फाइल रो नाम हॉबी टाइप करंतु सेव इन फोल्डर रे डाउन आरो उपरे क्लिक करंतु एवं डेस्कटॉप ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु एबे सेव बटन उपरे क्लिक करंतु देखंतु एबे फाइल डेस्कटॉप उपरे सेव होइ जायछि एबे आमे एही फाइल को बंद करबा आसंतु वर्तमान resume.odt फाइल रे हाइपरलिंक तयारी करबा जहां एही डॉक्यूमेंट को ओपन करिवो वर्तमान आमे शिक्षा विवरणी युक्त टेबल तळे हॉबीज हेडिंग लेखिबा हॉबीज टेक्स्ट हाइपरलिंक करबा पई प्रथमे हेडिंग हॉबीज उपरे कर्सर ड्रैग करी टेक्स्ट सिलेक्ट करंतु एबे मेनू बार रे इंसर्ट मेनू उपरे क्लिक करंतु एवं ताहा परे हाइपरलिंक ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु गोटिए डायलॉग बॉक्स खोलिबो जेउथरे इंटरनेट मेल्स ओ न्यूज डॉक्यूमेंट ओ न्यू डॉक्यूमेंट परि ऑप्शन अछि जेहेतु आमे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पई हाइपरलिंक प्रस्तुत करूछे आमे डॉक्यूमेंट ऑप्शन उपरे क्लिक करिबा एबे पाथ फील्ड रे ओपन फाइल बटन उपरे क्लिक करंतु नुआ डॉक्यूमेंट को जिबा पई डायलॉग बॉक्स रे डेस्कटॉप ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु जहा को आमे तयारी करै छे वर्तमान hobby.odt ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु ओ ताहा परे ओपन बटन उपरे क्लिक करंतु
आपण देखिबे जे फाइल पर स्थान पाथ फील्ड रे एंटर हो जायछि। अप्लाई फील्ड उपर क्लिक करंतु एवं ताहा परे क्लोज बटन उपर क्लिक करंतु। टेक्स्ट हॉबीज रेखांकित होइथिबार ओ नीलो रंग हो जायथिबार आपण देखिबाकु पाइबे जेहेतु एहा हाइपरलिंक हो जायछि। एबे हेडिंग हॉबीज उपर कर्सर रखंतु एवं कंट्रोल की ओ बाम माउस बटन उभयकु एकसंगरे प्रेस करंतु। हॉबीज युक्त फाइल खोलिबार आपण देखिबाकु पाइबे। एही प्रकारे आपण इमेज ओ वेबसाइट पर मध्य हाइपरलिंक तयारी करि पारिबे। वर्तमान आमे लिबर ऑफिस राइटर उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल नो परिसमाप्ति को आसिले। संक्षिप्त रे आमे जहां सिखिले डॉक्यूमेंट रे इमेज फाइल इंसर्ट करिबा, राइटर रे टेबल इंसर्ट करिबा, राइटर रे हाइपरलिंक इंसर्ट करिबा। स्लाइड संख्या 7 देखंतु। कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट practice.odt खोलंतु। फाइल रे इमेज इंसर्ट करंतु। 2 कॉलम ओ 3 रो सहित टेबल इंसर्ट करंतु। www.google.com वेबसाइट खोलिबा पई हाइपरलिंक तयारी करंतु। जेतेबेले आपण फाइल रे थिबा इमेज उपरे क्लिक करिवे, निम्नलिखित लिंक रे उपलब्ध थिबा वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट रो सारांश देइथाय। जदि आपणक पाखरे भलो बैंडविड्थ नाही तेबे आपण एहाको डाउनलोड करि देखि परिवे। आमे स्पोकन ट्यूटोरियल व्यवहार करि कर्मशाला मान आयोजन करिथाउ। जो मैंने ऑनलाइन परीक्षा रे पास करंती सेमानको प्रमाणपत्र मध्य देइथाउ। अधिक सूचना पई आमको contact@spoken-tutorial.org को संपर्क करंतु। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट रो एक अंश अटे, जहाको भारत सरकारक MHRD मंत्रणालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ICT माध्यम रे समर्थित करिछि। spoken-tutorial.org/nmeict-intro रे अधिक विवरणी उपलब्ध अछि। IIT मुंबई तरफरु मु एही ट्यूटोरियल रो अनुवादक तथा भाषक प्रदीप चंद्र महापात्र आपनको ठारु विदाय नेउछि। आम सहित जड़ित होइथिबारु आपनको धन्यवाद।